जनपद जालौन के सिहारी में हुई हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। माधोगढ़ थाना क्षेत्र के सिहारी गांव में दरवाजे के विवाद को लेकर हत्या हुई के आरोपी को पुलिस ने सुबह रक्त रंजित हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को त्योरी गांव में गया प्रसाद शंकवार व विजय बहादुर चौधरी पर आपस में दीवार में दरवाजा बनाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें विजय बहादुर ने खेत पर जाते समय पड़ोसी के ऊपर धारदार हथियार बांका से प्रहार कर दिया, जिसमें गया प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और गया प्रसाद के बेटे प्रदीप कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर विजय बहादुर पुत्र श्री प्रकाश चौधरी सहित मंगल सिंह, विजय पुत्रगण चेतराम व आरती पत्नी बीरन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा ली गई थी। ऐसा हुआ, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? कल सिहारी गांव में एक विजय बहादुर पुत्र श्री प्रकाश ने ये गया प्रसाद और गया प्रसाद का लड़का जो है प्रदीप तोरी, इनके ऊपर दरवाजे के विवाद था, उसको लेके उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया था, जिससे मौके पर ही प्रदीप तोरी की मृत्यु हो गई थी और जो गया प्रसाद है वो घायल हो गए थे। गया प्रसाद को अस्पताल ले जाया गया था। इसमें विजय बहादुर सन ऑफ श्री प्रकाश की गिरफ्तारी हो गई है और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। जी सर, जिसने हत्या किया उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उसको गिरफ्तारी की गई है, उसके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये IPC की धाराएं 34, 307 और 302 IPC में मुकदमा किया गया। लेकिन सर, गया प्रसाद का कहना है कि एक लोगों ने नहीं, चार लोगों ने मिलकर वार किया है, इसके बारे में क्या कहना है? एक लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी के जो अन्य लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। जालौन से UP24 न्यूज के लिए मनोज शिवहरे की रिपोर्ट।